डूइंग? सो बेसिकली मैंने आप लोग को अनाउंस किया था कि ओके जैसे हाय। पहले से मैं बोलती हूँ, ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया। हाँ हाय, कैसे हैं आप? मैं पूरा नींद अच्छा, मैं भी एक्चुअली नींद में ही था। बट नींद में तो क्या, मेरा तो यही नींद है, देख रहे हो। इनको सुबह सुबह क्लासेस लेनी है और ये बना रहा हूँ, देखो बैठ बैठ के। बड़े लोग बड़े क्या है, अब इनके चक्कर में करना पड़ता है। मेरी मेरी पता नहीं, आज लेफ्ट आई में कोई तो प्रॉब्लम कर रहा है, बहुत ज्यादा उसमें वो रहा है, मतलब। नहीं, थोड़ा सा एटमोसफेयर ऐसा हो गया या क्या हो गया पता नहीं, मुझे तो कुछ हाँ, ज्यादा नींद आ रही है। बारिश बारिश का मौसम। मेरा तो आज तीन तीन वाईफाई फेल हो गया। मैंने इनकी क्लासेस में इतना आज ब्लिंक वो हो रहा था, रेंडर हो रहा था, बहुत बार बीच में बंद करना पड़ा। लेकिन अब ठीक है, इनको वादा किया है तो निभाते तो है ही, हम इनको छोड़ थोड़ी सकते बीच में। तीन तीन भाई भाई बड़े लोग। अब क्या करें, इनके चक्कर में रखना पड़ता है। हाय हाय गाइस, हाय, हेलो 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 चैट, हाय वेलकम। हाय एवरीवन, हाउ यू ऑल डूइंग? फटाफट से बता दो यार, उसके बाद हम लोग सर आपने कल एक मैसेज अपने टेलीग्राम ओके, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, है ना। सो एक इनको छोड़ते ना, अभी अभी इनको लेट्स थिंक कि क्या कर सकते हैं। मतलब बच्चों, मैं आपको पहले बता दूं, आप नहीं सोच सकते वहां तक जो हम प्लान कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आप ज्यादा से ज्यादा क्या सोच सकते हो कि सर फ्री में पढ़ा देंगे, सर सर क्या ही कर देंगे, मतलब सर फ्री में पढ़ा देंगे, सर फ्री में कोर्स दिला देंगे, या कुछ कर सकते हैं। मतलब आप, यू कैन नेवर इमेजिन दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अकेडमी पे कोई कोर्स लॉन्च हो जाएगा, हाँ, कोई बिग सरप्राइज आ यूट्यूब जाएगा, पे नया कोई, क्रैश कोर्स। हाँ, नया क्रैश कोर्स लॉन्च हो जाएगा, प्रैक्टिस सेशन लेंथ लॉन्च हो जाएगा। नहीं बेटा, वेट वेट फॉर दैट, यू हैव टू वेट फॉर दैट। और सब एक जैसे बट नहीं होते स्टिल दोस्त, कुछ लोग होते एनी हैं जो गेसेस? आपको, यस, डाउन डाउन द लाइन जाके आपके लिए, आपके लेवल पे जाके सोच अच्छा के आपके फायदे के लिए काम करते हैं। राइट, प्लीज। एक बोला है टेस्ट सीरीज। रुक जाओ, पेपर लीक हो रहा है। माइट बी ओके, ग्रेट। लेकिन वो वाला नहीं फिर भी सोच जा पाएगा जहां तक हमने सोच लिया है। या, मतलब हम कल रात में सोच रहे थे ना, इट वाज लाइक, हाँ यार, दिस इज समथिंग वेरी गुड एंड यू शुड डू इट। क्योंकि देखो, उसमें मेरा और मैम का, दोनों का बहुत कोलैबोरेटिव मेहनत तो लगेगा ही, साथ में बहुत कुछ लग रहा है। तो साथ में हाँ और कुछ भी लग रहा है तो हम बताएंगे और अभी, कुछ ठीक है, वो मेहनत। हाँ, अभी बताएंगे, उस बहुत कुछ पे ही सब लोग कुछ डिपेंड कर रहा है। बोल रहे न्यू चैनल। हाँ, नो नो, दिस चैनल है ना। अब मैं बोल तो रहा हूँ, आप नहीं सोच पाओगे वहां तक, रुक जाओ। लाइव क्विज वगैरह, अरे बेटा ये सब छोटी चीजें थोड़ी ना, ठीक है। अब बाहर निकलो, इनसे बड़े सोचो, बाकी राइट। बाय द वे जितने भी लोग यहाँ पे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऊपर जाके सर को जरूर फॉलो कर लेना। तुम लोगों को थैंक यू। आइडिया आता है क्या होने वाला है, तुम लोगों को थोड़ा सा और ज्यादा, वैसे आप गलत कर रहे हो, मैं तो वैसे क्यूरियोसिटी हो गई है हम लोगों के मन में इतना कोई ज्यादा, बात नहीं, ऐसे आप सस्पेंस बस एक, क्रिएट नहीं मैं करेंगे। सस्पेंस नहीं क्रिएट कर रहा, न्यू चैनल वगैरह ये सब नहीं है, ठीक है। चैनल हमारे पास इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब तो हम इसी पे पढ़ा लें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, राइट। तो न्यू चैनल वगैरह का कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ अच्छा है जिससे आपका फायदा होगा और आपको सीरियसली लगेगा कि कोई कैसे इतना कर सकता है। दिस यू विल गेट अ फीलिंग, राइट। 1000 पीपल आर वॉचिंग, दैट्स ग्रेट यार, दैट्स ग्रेट, सो नाइस। सब बड़े लोग भी चैनल पे आए हुए, सेलिब्रिटी। हाँ, ओके, दैट्स ऐसा नहीं ग्रेट। करते सर। न्यू न्यू बैच फॉर बट 2022 23, बेटा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये एक सब नहीं। गेस्ट आई है, शादी, बेटी सर शादी कर रहे हैं। शादी हाय, ये मतलब इसमें होने आपका का क्या फायदा मतलब, होगा? मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपका फायदा होगा, मैं शादी कर रहा हूँ, उससे आपका क्या फायदा होगा, ये बताना। मतलब हाँ, थोड़ा तो इधर बेटा, इधर कुछ चीज होती है ना, उसको या इस्तेमाल करना चाहिए कभी कभी। राइट, राइट अबाउट 2021, ऑफ कोर्स फॉर 2021, 2022 के लिए कुछ और आएगा, वो टाइम के बाद आएगा। हाँ, विल डू इट। बट हाँ, अभी तो कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब मैं खुद बहुत सरप्राइज हूँ। मैंने खुद आज दिन में, मुझे लग रहा है ऐसा कि मैं बहुत ज्यादा लाइट में बैठ गया था ना, जिस वजह से मेरे लेफ्ट वाली आई में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी अभी शाम से। लाइट्स बट की वजह ठीक से है, इतना आपके आपके लिए इतना तो चलता है, क्यों क्यों बच्चों। सीरियस 1000 लोग हैं यहाँ पे, या डेढ़ थाउजेंड हजार फिफ्टी पीपल आर वॉचिंग, या डेढ़ हजार हजार डेढ़ डेढ़ हाँ मतलब, हजार ओह बायोलॉजी बच्चे मैथ्स, हाँ ग्रेट यार, बायोलॉजी एंड मैथ्स का क्या कनेक्शन होता है ना।
इट इज 1050, नॉट 1500 इज 1500 है ना. हाँ मैंने बोला ना कि 1500 ओके फाइन ग्रेट है ना. कब लॉन्च होगा हमारे, आप बता सकते हो कि कब लॉन्च करने वाले हो आप? या वन वेट फॉर 31st एंड वन, दो दिन बहुत मैसिव होगा. दो दिन में अगर हमसे आप जुड़े रहे तो फिर आप समझो कि दिस इज अ लाइफ चेंजिंग डे फॉर यू. 31st एंड वन राइट, आप हमारे टेलीग्राम्स में हमारे आप उसमें हो. मतलब मैंने तो इतना आसान कर दिया बच्चों के लिए, जिस भी प्लेटफॉर्म पे मेरे से इनको जोड़ना है आप मेरा नाम लिखो विशाल तिवारी और _30 लगा दो. 30 तारीख को मेरा जन्मदिन होता बेटा, तो उस लगा देना अंडरस्कोर के साथ तो आप मेरे से मिल जाओगे. टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, एनीवेयर यू कैन फॉलो मी, यू कैन ज्वाइन मी, यू कैन गेट कनेक्टेड विद मी राइट. सीधे शब्दों में सर बोल रहे हैं कि मेरा बर्थडे आने वाला है. नहीं अभी मैंने 30 बोला है, अभी 30 कौन से महीने में आएगा. ठीक है फरवरी छोड़ के सब में 30 आता है. तो आपने बहुत यूट्यूब वाले का कोर्स यूट्यूब में नहीं कर, अरे बेटा सब करवा दिया मैम ने, मैं खुद देखता हूँ इनके लेक्चर्स. कहाँ कौन सी दुनिया में जी रहे हो? ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ चैप्टर बता दिया है, आई डोंट नो. एंड आप ये लिख रहे हो ना, इसका मतलब आप ओवर एक्सपेक्टेशन में हो, सो वो भी गलत है राइट. हाँ मतलब छोटे मोटे चैप्टर्स तो खुद से ही करने पड़ेंगे. और बाकी मैंने बोला भी है कि जो लेक्चर्स में वहां नहीं डाल पा रही हूँ उनको मैं ऐप पे फ्री कर दूंगा, अदरवाइज में डालने की कोशिश कर रही हूँ. वो चीज मैंने उधर डाल भी दिया है, ऐसा कुछ है नहीं की डाला नहीं है. बट ये बच्चों का प्यार है, मैं आपको बताता हूँ. ये बच्चों मतलब आप देख रहे हो आप 1000 टीचर्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे, बट स्टिल दे आर कमिंग हियर एंड टेलिंग कि नहीं नहीं आप ही पढ़ाओ, आपसे ही पढ़ना है. मतलब दैट्स ग्रेट. यार ये वाला अच्छा था, वो बोल रहा है कि सर आपकी शादी होगी तो खाना फ्री में मिलेगा, तो हमारा फायदा ही हुआ ना. ग्रेट है ना, जिस दिन होगी ना बेटा पता भी नहीं लगेगा आपको, मैं पहले ही बता देता हूँ. मुझे पता है ना ये सब धक्के कर देंगे वहां जाके सब है ना. तो हाँ आपको जरूर सर ऑर्गेनिक 7 डेज क्रैश कोर्स आप बता रहे थे, कुछ 7 डेज क्रैश कोर्स ऑर्गेनिक का. अरे एक्चुअली मैं लाइक मैंने लॉन्च तो किया था बट उसके बाद मुझे उस पे जाना पड़ा, लाइक मुझे बैंगलोर जाना पड़ा दिन के लिए. ओके बैंगलोर जाना था. ओके तो उस चीज का ब्रेक आ गया. सो देन आई थॉट कि अभी ये लोग पूरा दिन वाला जो मैंने ऑलरेडी अपलोडेड है वो वाली चीज कर लेंगे. हाँ, और फिर जो 7 दिन वाला है वो मैं लास्ट में ही रिवाइज करवा दूं नेक्स्ट मंथ, क्योंकि अभी करवाऊंगी फिर से करवाना पड़ेगा. हाँ फायदा नहीं, अभी अगर वो 15 दिन वाला ही कर लेंगे तो बेटर. तो मैं पढ़ना कितना है बेटा, 7 दिन में मेरा वाला कोर्स भी पढ़ा, मैम से पहले पढ़ चुके थे इनको सब पढ़ना. स्पीचलेस करके हैं वो, कह रहे हैं कि वीटी सर अलग सर की तरह कुछ बड़ा करो. नहीं बेटा हम तो अपने हिसाब से बड़ा कर सकते हैं, बड़े का डेफिनेशन कहाँ सेट किया है आपने, वो क्या कर सकते हैं. ऑब्वियसली अलग सर ने बहुत कुछ किया हुआ है और, बट हाँ मतलब ठीक है हम भी कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं बड़ा हो पाता है कि नहीं आपके लिए. इट टेक्स टाइम बिल्कुल. सर को पढ़ाते हुए 2 साल हुए, सेकंड चल रहा है. ये सब कुछ राज की बातें है ना, राज ही रहने देनी चाहिए. खैर अच्छी बात है. हाँ तो please, आप हमेशा आप कैसे प्रिटेंड करते हो कि जैसे मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत सीनियर हूँ. आई एम सीनियर राइट, आई एम बच्चों बेटा मैं बताऊँ मैं सीनियर हूँ नहीं हूँ, एज बड़ा नहीं हुआ है बट मैं सीनियर हूँ. आई एम नॉट सीनियर इन एज बट आई एम सीनियर इन एक्सपीरियंस है ना. या बच्चे जानते बेटा बहुत है ना. जुगाड़ लगाया अपने है ना. बच्चों कुछ पूछो यार, हम ऐसे ही आपस में ही गप्पे मारे जा रहे हैं. गॉगल लगा लो मैम, गॉगल लगा लो मैम, दे वांट टू सी यू इन गॉगल प्लीज. मंथन कह रहे कि प्लस के क्लास कब लोगे. बेटा मैं मिस कर रहा हूँ प्लस वालों को, 22-23 वालों को, सीरियसली मैं मिस कर रहा हूँ. बट मैं अपने दिन को एक सेकेंड भी निकाल पाता ना तो मैं आपके लिए देता. सेप्टेम्बर में कोर्स चालू करेंगे और पूरा कंप्लीट कराएंगे, आपका टेंशन मत लो. हर साल अपन कंप्लीट कराते हैं, आपका भी कंप्लीट कराएंगे, बट सितंबर तक आप फिजिक्स और बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करिए. या कम ऑन प्लीज सर, ठीक है अच्छी चीज है बेटा, आपके लिए हम सोचेंगे, बिल्कुल सोचेंगे. अभी इमीडिएटली सोचे नहीं है बेटा, अभी कुछ इमीडिएटली सोचे नहीं बट सोचेंगे जरूर है ना. चलो थैंक यू मिस्टर विकास, थैंक यू सो मच. हाँ
तो ठीक है, यहाँ पे सब शादी वादी कराने पे ज्यादा फोकस है इनका। हमारी मुझे मेरा फोकस ये है बेटा कि आपका नीट में कैसे अच्छा से अच्छा मार्क्स, नीट में कैसे अच्छा से अच्छा स्कोर आप कर पाओ, ये हमारा एम है। और उसके लिए बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। उसपे हो सकता है कि हमारा 2-3 लाख रुपए खर्च हो जाए, 3-4-5 लाख रुपए खर्च हो जाए। अगर उतना है मेरे पास तो मैं खर्च कर, ज्यादा ही हो सकता है, मतलब आई थिंक वो 5-7 लाख रुपए हो सकता है, हम लोन में लोन भी लेना पड़े आपकी वजह से, है ना। क्योंकि इतने पैसे तो नहीं है, देखो सीरियसली मैं बताऊं, मैं तो मेरे पास तो नहीं है, मैम के पास हो सकता है, यूट्यूबर है वो, नेक्स्ट है। हम तो छोटे टीचर्स हैं, मेरे पास ठीक है कहाँ ना। जाएंगे। फिजिकल आप ही करो। अरे बेटा 4 चैप्टर मैंने दीपक सर से पढ़वा दिया आपको, उसमें प्रॉब्लम होने लगी, और मैं जानता हूँ मेरे से अच्छा पढ़ा रहे हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री, वहां पे 4 चैप्टर इनको पढ़वाया, और फिर उस पर भी फिर पंगे करने लगे आप। बेटा 4 तो पढ़ो, ये बाकी तो इनका मैंने प्यार पढ़ाया है, है। इनका हाँ ठीक है ठीक है, प्यार है बेटा, तो प्यार बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, प्यार भी एक लिमिटेड उस पर करना चाहिए ना। सर आप कितने साल के हो, क्या फर्क पड़ता है, आपसे बड़ा हूं। चलो नेक्स्ट। लेट मी गेस, लेट मी गेस। नो नो डोंट गेस प्लीज, कुछ राज की बातें राज ही रहने देनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं। लेट मी गेस। नो नो प्लीज डोंट। आपका एम हमारा एम सर आज से, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड, है ना। अच्छा मैं क्या सोच रहा था, मैं आज मैं 2-3 दिनों से मैं सोच रहा था ये चीज कि एक वीडियो देखा एक्चुअली यूट्यूब पे, और वो मुझे बहुत डीपली अफेक्ट किया, बहुत डीपली। मैं देख रहा था कि एक 18 ईयर का किड है, वो मुंबई से बिलोंग करता है, और वो वहां पे बीइंग 18 ईयर किड ही होल्ड्स अ कम्युनिटी, उसके पास एक कम्युनिटी है 2,000 लोगों की, और जिससे वो मुंबई के सारे बीचेस को पिछले 3 सालों से सफाई कर रहा है। ये वीडियो सीरियसली मेरे को हिला दिया अंदर से, मतलब ही 15 साल से उम्र से वो मुंबई के बीचेस में काम कर रहा है, ऑक्सफोर्ड से लेकर के जितने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वो सब लोगों ने रिकॉग्नाइज किया है उनके काम को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है, सो ग्रेट। और ये वीडियो मेरे को सीरियसली टच कर गया, और ये वीडियो मेरे को लगा कि क्या कर रहे हो भाई, तुम भी कुछ हो, करो, भगवान ने जन्म दिया है तो कुछ करके जाओ। सीरियसली ये वाली फीलिंग आई मेरे को देख के, और मेरे को मैंने मतलब एक मेरे दोस्त रहते हैं यहीं पे, तो मैंने उनसे शेयर भी किया कि लेट्स डू इट, है ना। अभी मेरे पास समय नहीं है, बट 12 सितंबर के बाद मेरे पास समय होगा अच्छा खासा, नहीं लेट्स होगा, डू इट, लेट्स लेट्स बिल्ड फ्रॉम कोट, नहीं होगा होगा होगा, आई विल डू इट, आई विल मैनेज, मतलब अगर मैं किसी चीज को ठान तो लू, आपके पास 12 सितंबर के बाद ही टाइम नहीं होगा। मैं बताता हूँ। ओके फाइन, नया अक्टूबर पे बैच तो आएगा, होगा, नए बैच अक्टूबर पे को तो भी होगा, आपको बट उस कुछ समय नहीं क्या होगा। होगा मैं आपको बताता हूँ। नया बैच आएगा, बहुत अच्छी बात है, बट हमें जो 4-4 घंटे की क्लासेस, 3-3 घंटे की क्लासेस थोड़ी लगानी पड़ेगी इनकी, तो आई हैव द मॉर्निंग टाइम, मैं 10 बजे से क्लासेस लूंगा, तो आई हैव द एंड सिक्स योर टू टेन वाला टाइम। फोटोज, यू हैव मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू हियर लाइक इन हाँ दुबई। मतलब इतने मैं मैंने बच्चे सोचा कि आपके, मैं राइट राइट मैं तो वैसे अपने प्लेस को रिलोकेट भी करने वाला हूँ, अभी मैंने प्लान भी किया है कि मैं आई विल रिलोकेट फ्रॉम कोटा, क्योंकि अब ठीक है, जब तक ऑफलाइन में वेयर था तब तक तो ठीक है, आई विल सी, मतलब आई एम लुकिंग कि कहीं पहाड़ वाली जगह लेके और वादियों में शिफ्ट हो थोड़ा सा पहाड़ वाले। अब देखो ऑनलाइन का सबसे अच्छा फील्ड ये है, मैं आपसे मैं डिस्कस करता हूँ, आपको भी करना चाहिए, मतलब इनफैक्ट अगर आप नहीं, नेचर लवी, मैं तो कॉलेज, हाँ मतलब आफ्टर कॉलेज ऑब्वियसली, तो आप अगर नेचर लविंग हैं तो ऑब्वियसली आप माउंटेन्स और उधर शिफ्ट होंगे जहां पे मतलब लाइक ऑब्वियसली आपको सबको थोड़ा सा नेचर पसंद होता है। नेट का इशू उधर रहेगा। नहीं मतलब नॉट इन दैट, एकदम पहाड़ों में नहीं, हाँ पहाड़ों से कनेक्टेड सिटीज में, ताकि क्या हो सकता है आप 1 आवर 2 आवर ट्रेवल करके यू कैन गो, यू कैन फील द नेचर, यू कैन कम बैक, राइट। जैसे आप देहरादून चले जाओ, एंड देहरादून से आप चारों तरफ यू कैन यू नो 2-3 आवर्स के उसमें आप बहुत अच्छा, मैं देख रहा था यही कि 2-3 घंटे के या 10 किलोमीटर के रेडियस में कहां से अपन अच्छा से अच्छा ट्रेवल कर बच्चे बोल सकते रहे हैं। हैं कोलकाता आ जाओ सर जी। कोलकाता आ जाओ, कोलकाता मुझे सीरियसली क्या उतना एस लाइक, मैं एक बार गया हूँ कोलकाता, मैं WBJEE देने गया था। अच्छा बाय द वे थोड़ा शो ऑफ कर दो, WBJEE में मेरे ऑल इंडिया रैंक 6 थी। चलो ऑल इंडिया मतलब WBJEE का ऑब्वियसली स्टेट रैंक होता है, तो वहां पे 6 रैंक, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा शो ऑफ भी हो गया, अच्छी बात है। हल्द्वानी आ शिमला जाओ, ये जाओ, सब कोलकाता, हल्द्वानी कहाँ है, कोलकाता में ही है क्या, वेस्ट हल्द्वानी बंगाल में ही है, आ वेस्ट या बंगाल में है ना। आई उत्तराखंड आ जाओ, हाँ उत्तराखंड इज गुड, उत्तराखंड इज गुड, उत्तराखंड मैं प्लान भी कर रहा हूँ।
उत्तराखंड इज गुड, वहां पे क्या है मतलब ठीक लगता है मेरे को ऐसे गोवा। हाँ बहुत सही बहुत सही, ठीक है ना। हाँ तुम चाहते नहीं हो मेरे से पढ़ना है ना, फॉरेन फॉरेन ट्रिप्स पे चले जाओ एक दो कुछ। तूने पैसे कहाँ से आएंगे? ओके सो एक और चीज जो काफी ज्यादा इस टाइम पे पूछी जा रही है, कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं क्या नीट दोबारा पोस्टपोन होगा? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। आई कैन टेक गिव यू इन रिटन, मेरे से स्टैम्प पेपर पे ले लो, नहीं होगा। थर्ड वेव आ जाए चाहे 30th वेव आ जाए, नहीं होगा पोस्टपोन, संभव ही नहीं है। आगे पूरा कॉलेज का करिकुलम ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है, वो दोबारा बिगाड़ के और खराब नहीं कर सकते कॉलेज को, राइट? बाय द वे आई विल शो यू समथिंग, दिस इज समथिंग व्हिच आई गॉट फ्रॉम बैंगलोर एयरपोर्ट। अभी मैं बैंगलोर गया था ना अकेडमी के लिए, तो आई गॉट, मतलब मेरे को अच्छा लगा तो मैं ले आया उठा के। can you see what is this? No bikes. Yeah, this is a bike. I do love bikes. At least real में नहीं हो गया खिलौना, it's खिलौना ही सही। मैंने इसको paper stand की तरह बना रखा है मतलब। Okay. अच्छा I got lucky Ganesha also. You'll see. See this lucky Ganesha. I've got lucky Ganesha also. Right? So ये सब मेरे पास। हाँ, that was a bullet bike. Okay. I do love bikes. Okay, you love bikes. That's great. Huh? I got this one also. This is pretty, right? This one is good. This one is good, na? This is completely made of stone. This is quite heavy, by the way. Okay. Right. This is completely. मतलब ये मेरे को देख के ही बहुत प्यारा सा लगा, and I thought कि ये ले लेते हैं, right? So I got it from, क्या हुआ ना बैंगलोर एयरपोर्ट पे मैं 6 घंटे के लिए फंस गया था। Actually, I didn't have the RT-PCR report and I didn't have the वो certificate of क्या होता है वो vaccination। मेरा तो चेक नहीं हुआ। मेरा हुआ था, मेरा तो हुआ, मतलब हर स्टेट कनेक्टिंग, वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में ट्रेवल कर रहे हो। तो कर्नाटका से जयपुर के लिए मतलब राजस्थान के लिए वहां पे वो है, आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। जयपुर से जब कर्नाटका गया था कोई चेंजेस नहीं थे, मतलब कोई चेकिंग नहीं था, बट मैं जब वहां से बैंगलोर से जयपुर आ रहा था तो वहां बैंगलोर एयरपोर्ट पे चेकिंग हो रही थी, तो उन्होंने मैं तो जा चुका था सिक्योरिटी चेकिंग से पहले पहले उन्होंने मेरे को रोक दिया, यू कैन नॉट गो बिकॉज आपको कोई प्रूफ दिखानी पड़ेगी। और मेरे पास उस समय प्रूफ नहीं था, तो आई हैड टू 6 घंटे। हाँ हाँ बताओ। सर यहाँ पे रिधि चौहान का क्वेश्चन है, थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लेना चाहूंगा। हेलो, आपसे पूछ रहे हैं वो कि जो डिप्रेशन में होते हैं वो MBBS नहीं कर सकते क्या? ओह माय गॉड, पहले तो ये इतने छोटे उम्र में डिप्रेशन किस बात की आई है? मुझे यही नहीं समझ आता, इनके डिप्रेशन का रीजन एक ही है कि इनको डर लगता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं कि मेरा नहीं होगा तो क्या होगा एंड ऑल, ठीक है ना। तो मैं जो मेजोरिटी का यही इशू है, इन लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट एक्चुअली डिप्रेशन इज। डिप्रेशन इज वो नहीं है जो ये लोग समझ रहे हैं, मतलब हल्का सा टेंशन हो जाना। हल्का सा टेंशन आपको और मुझे भी है कि 31st को हम जो लॉन्च करेंगे वो क्या होने वाला है। नर्वसनेस इज गुड, दैट इज कॉल्ड नर्वसनेस, इट्स गुड एक्चुअली, वो आपको हेल्प करता है। लोग जस्ट उस चीज को बहुत ज्यादा सोच लेते हैं तो हमें लगता है डिप्रेशन, एंड जब आप अपने माइंड को ये चीज बोलना स्टार्ट करते हो ना बार बार दैट आई एम डिप्रेस्ड, आई एम वरीड, आई एम टेंस, तो वो दिमाग तो उसी चीज को प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है एंड उसी तरीके से स्टार्ट कर देगा। एक और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके पास खोने के लिए क्या है? व्हाट यू विल लूज इफ इन केस, अगर नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ, इफ इन केस नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ था IIT में पहली बार में, तो क्या हो गया इससे? मैं आज बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या आज खुश नहीं हूँ, मैं क्या आज जो चाह रहा हूँ वो नहीं हो पा रहा? I must tell you everyone, like मैं exact numbers नहीं बताऊंगी, but he is earning more than what a normal IITian can. Yeah, I'm proud to say that. कि एक नॉर्मल IIT जो होते हैं उससे ज्यादा मैं अर्न कर रहा हूं, प्राउड टू से दैट। आप वही आप सोचो, आप रिलेट करो, आपके पास खोने के लिए क्या है? कुछ भी तो नहीं, आपने समय लगाया है, समय जाएगा, कोई बात नहीं, एक साल बाद सही, आज नहीं तो एक साल बाद सक्सेस मिलेगा। कीप वॉकिंग हार्ड, कल से जो कल होने वाला है। खोने के लिए हमारे पास टाइम है क्या? लिटरली वो टाइम इन लोगों ने खो दिया है। आई मीन मुझे तो ऐसा लगता है
क्योंकि हमने पढ़ा, हमने उस चीज के ऊपर वर्क किया, तो दैट इज काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट. आपका ब्रेन शार्प पूरा है. और ऐसा नहीं है कि आपको अगर IIT में आपका नहीं हुआ तो किसी और कॉलेज में आपका होगा, वहां पे वो चीजें आप लोग आएंगी. तो ये सब चीजों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होना है. एंड प्रैक्टिकली अगर बात की जाए तो टेंशन देखो बिल्कुल होगी. मतलब लिटरली एक दो दिन ऐसे जरूर होंगे ही होंगे, 110% होंगे, स्पेशली फॉर द ड्रॉपर्स. मेरे साथ भी ये चीज कि आप लोगों को बिल्कुल मतलब ऐसा दिन होगा कि समझ में नहीं आएगा व्हाट शुड आई डू. नीट से 5 दिन पहले एग्जैक्टली आई वाज कॉलिंग माय डैड एंड आई वाज लाइक कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा. 5 दिन पहले कहा था, बट ही वाज लाइक बेटा ठीक है 4 दिन और, बस 4 दिन और कर ले. तो तुम लोगों के पास भी ना यही चीज है. देखो मैं ना ये चीज बिलीव करती हूँ, हम लोगों को ना फॉर एग्जाम्पल कोई भी कुछ भी कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि मान लो आप ये मान लो कि एक हम ना याद है आपको बचपन में वो लाइक जो ताश होते हैं, ताश जैसे महल काइंड ऑफ बिल्ड करते थे, ऊपर तक बिल्ड करते जाते थे. ये लोग 2 साल से अपना महल बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं. जब लास्ट में जो वो पत्ता रखते हैं ना, जनरली क्या होता है वो पत्ता पूरे उस चीज को गिरा देता है. और ये लास्ट मंथ उसी पत्ते का काम करने वाला है. वो चीज तुम लोग को बहुत ध्यान से संभालनी है. तो तुम 2 साल से बिल्ड करते आ रहे हो ना, इस लास्ट मंथ के अंदर अगर डिप्रेशन से टेंशन से तुमने खो दिया ना चीजें तो खत्म है. पैनिक मत हो, कुछ भी नहीं होगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा. ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस. जैसा चल रहा है चलते रहो. ध्यान रहे कि जो आने वाला कल है वो बीते हुए कल से ज्यादा मेहनती हो, ज्यादा हार्ड वर्किंग आपस में होते जाए. अच्छा लगा नीट नहीं तो क्या, नीट नहीं तो बहुत ज्यादा ऑप्शन है. आईसर इज अ वेरी गुड ऑप्शन. एंड वो बहुत अच्छा कर रही है अपनी लाइफ के अंदर. उसका नीट नहीं हुआ था, उसने ड्रॉप किया था, उसके बावजूद उसका नीट नहीं हुआ था. अनदर फ्रेंड ऑफ माइन वो इधर एम्स दिल्ली से नर्सिंग कर रही है, दैट इज एन ऑप्शन टू. और आपके पास काफी सारे ऑप्शन होते हैं ड्यू के अंदर जाना. रिसेंटली इससे पहले जस्ट आपसे पहले मैंने डॉक्टर मितुल के साथ लाइव किया था, तो ही इज फ्रॉम ड्यू, उन्होंने भी BSc किया है. तो इसमें मतलब ना लोग कर लेते हैं चीजों को, और बिल्कुल भी अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना. नीट नहीं तो और भी बहुत तरीके हैं लाइफ के अंदर करने के, और बहुत चीजें हैं. नाइजर का काम कर दो, आइजर का काम कर दो. अगर नीट की आपने बहुत तैयारी की है तो आइजर. दिस इज नॉट द एंड पॉइंट यार, दिस इज नॉट द एंड पॉइंट. बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये यहाँ के बाद, ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाए तो दिस इज द एंड पॉइंट. एक्चुअली दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट. आपने इससे पहले क्या ही किया है, एक बोर्ड का एग्जाम ही तो दिया है. नाउ यू आर एंटरिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन. अब ये एंट्री पॉइंट है. अब यहीं पे घबरा जाओगे तो आगे एक्सप्लोर कैसे करोगे. दिस इज द एंट्री पॉइंट. कोई बात नहीं, काफी लोग एंट्री से ही बहुत अच्छा कर जाएंगे, हम आगे जाके करेंगे. एक मनोज वाजपेयी का बहुत अच्छा एक रील वायरल भी हो रहा था और वीडियो भी वायरल हो रहा था शॉर्ट्स के फॉर्म में, कि कुछ लोगों को शुरू करते ही सफलता मिल गई और हम आज तक मुसाफिर बने रहे. कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छा कर पाओगे, शुरुआत में सफलता मिल जाएगी, अच्छी बात है. वरना आप मुसाफिर तो अच्छा हो गई, ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे. मेरा एग्जांपल ले लो ना यार, मैं सामने बैठा हूँ, नहीं हुआ था मेरा भी, तेरा पहली बार में मेरा भी नहीं हुआ था, ठीक ठाक है मेरा, ठीक है ना. अब मेरे को काफी लोगों को कई बार मैच्योरिटी लेट जाती है. इसमें विश्वास रखती हूँ सीधा सा, मंजिल मिले वो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है. इसके अलावा कोई चीज लाइफ में रखो ही मत. वो चीज आईसीएआर में, कई लोग कह रहे हैं कि आईसीएआर में करियर क्या है बेटा, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बनते हो आप, गवर्नमेंट जॉब्स मिलते हैं आपकी, डेढ़ लाख दो दो लाख रुपए सैलरी होती है उनकी. मेरे जो खुद के मामा जी हैं वाज साइंटिस्ट, अब तो रिटायर हो गए, एंड उनका सैलरी 2 लाख कुछ था. वही वही ठीक है. एंड लाइक सबसे अच्छी कोई जॉब मानती हूँ ना, तो मैं जॉब मानती हूँ प्रोफेसर की जॉब, जो कॉलेज प्रोफेसर होते हैं. बहुत सही जॉब होता है उनका, 2.5-2.5 लाख सैलरी उनका होता है, मस्त जिंदगी है. मतलब अगर मेरे से कोई पूछे कि इसके बाद क्या करना है, एक्चुअली आई एम प्लानिंग टू डू मास्टर्स आल्सो. तो मैं मास्टर्स में सोच रहा हूँ कि साइड साथ साथ करके मैनेज कर लो, नहीं होगा तो मैं थोड़ा ब्रेक लेके, अभी नहीं इस साल नहीं, आगे जाके 2-3 साल के बाद मैं ब्रेक लेके भी मास्टर्स तो करूंगा. ये मेरा खुद का पर्सनल ये है. और मास्टर्स करके फिर यू कैन गो टू दैट टीचिंग साइड, राइट. एक और चीज लाइक एक यहाँ पे किसी ने लिखा है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से BIT वगैरह क्या, काफी अच्छा है.
कर लो, अच्छा स्कोप है, बायोटेक्नोलॉजी का काफी स्कोप है, जितने भी मेडिसिन कंपनीज हैं सबको बायोटेक्नोलॉजी भी चाहिए होता है आजकल, काफी ज्यादा है, काफी अच्छा है। सैलरी मैटर्स? नो, नॉट एट ऑल। मुझे सीरियसली याद भी नहीं है, मुझे सीरियसली याद भी नहीं है मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। अगर आपको झूठ लग रहा हो, नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन आपको लगेगा कि मैं तो बना के बोल रहा हूँ, दिस इज सीरियसली फैक्ट। और शायद मुझे लगता है मैम के साथ भी यही केस होगा, फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता। इनिशियली पड़ता है, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम फर्क पड़ना बंद नहीं होता है, पड़ता, नहीं कैसे लगता है पड़ता। जो आ रहा है वो आ रहा है, हाँ लेकिन उसके बाद लाइक जब हम लोग इनकी एज में थे तो अभी मैं उतना हाँ ज्यादा बड़ी नहीं हूं, बट व्हाट आई बिलीव कि मैं YouTube की वजह से मेरे अंदर मैच्योरिटी एक दो साल फास्ट आई है, जो मैं 21 में जाकर होती तो, लेकिन 21 में नहीं 23-24 में, तो अब मुझे फर्क नहीं पड़ता उन सब चीजों से। फोकस कर दीजिए, लेट्स सी इफ गुड हैपेंस, तो अच्छी चीज है, वरना तो हम बायोटेक्नोलॉजी कर ही रहे ना, दैट्स ग्रेट। मैं बस ये बोल रही हूँ कि जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट क्या होगा लाइफ में। मुझे फॉरेनर्स की लाइफ इसलिए बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, हाँ, they don't think much, right? They don't think much. आप तो काम करते रहो, आप अपना काम करते रहो, seriously बता रहे, there is some positive energy that is watching all the time. कुछ तो है positive energy, आप विश्वास करो ना करो, मैं विश्वास करता हूँ और मेरा मान लो तो कोई ना कोई positive energy है, अगर आप hard work कर रहे हैं, it will support for sure, it will support. अगर एक तड़प है ना हमारे अंदर तो for sure भगवान देख रहा है सब चीजों। हाँ, कॉमेट के भी अच्छे कॉलेजेस हैं, कॉमेट के कॉलेजेस भी अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं। काफी अच्छे कॉलेज, कुछ भी करो हर फील्ड बहुत अच्छा होता है, बस आपको बेस्ट वहां पे होना होता है। आज के टाइम में अगर आपको किसी भी सरवाइव करना है ना, तो उसके अंदर सिर्फ एक ही तरीका आपके पास है, यू नीड टू बी द बेस्ट, या तो बिल्कुल जीरो हो जाओ, तुम्हें पता ही हो कि हम जीरो है, हमसे कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, तो फिर तो तुम कुछ और ट्राई कर लो, अदरवाइज बिल्कुल एवरेज का जमाना गया, यू वुड हैव टू ट्राई योर लेवल बेस्ट बेस्ट। श्योर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अच्छी चीज है, अभी बैठे बैठे मेरे दिमाग में आपके सरप्राइज ही चल रहा है कि कैसे करेंगे क्या करेंगे। लेट्स हमें काम करने दीजिए और तो सरप्राइज आ जाएगा दो। हाँ, लेट्स डिस्कस दिस और देखते हैं इसमें और कितना अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। दोस्त तो इतना तो जरूर है कि जो है वो आपकी वजह से है और जो कर रहे हैं वो आपके लिए ही कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। Keep working harder. ध्यान रहे, जो आगे आने वाला कल है वो पिछले वाले से ज्यादा ज्यादा अच्छा होना चाहिए, ज्यादा प्रोडक्टिव होना चाहिए, ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। अपने पास सिर्फ 3 दिन है करने के लिए, 28, 29 और 30, बहुत काम। यस, आज मैंने दिन भर लगाया उसको, आज मैंने दिन भर लगाया, इसीलिए मुझे रात में बैठना पड़ रहा है ताकि आपका कल का सुबह क्लास मिस ना हो। और लेट्स सी इट वर्क्स एंड इट विल वर्क फॉर श्योर, एंड आई एम डैम श्योर, क्योंकि हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन, है ना, तो फॉर श्योर इट विल वर्क फॉर यू। और अभी दिमाग में एक और चीज आई है, बहुत अच्छी चीज आई है, लेट्स डिस्कस एंड लेट्स सी की आपके लिए बहुत अच्छी है। सब बोलिए ना, अभी सरप्राइज बोल देंगे तो सरप्राइज ही क्यों रहेगा भाई, समझा करो थोड़ा। 22-23 वालों के लिए सरप्राइज नहीं है, अभी 21 वालों के लिए सरप्राइज है, इतना मैं आपको हिंट दे सकता हूँ। चलो फाइन, ओके ओके, सो नाइस टू यू नो, ऑलवेज इट्स ऑलवेज बीन नाइस। डू यू वांट मी टू ऐड some like students also or should I it's too late let's do it in some time na, okay, please, okay, ha sure. Right, ha to bachcho baat se karenge, ha karte hain aapse baat karenge, aate hain surprise banaye kal, pehle mere ko surprise pe hum dono ko kaam karne do, badhiya se acche level se surprise dene do aapko, fir aapko batate hain ki aage kya karna hai na, fir aapse baat karenge jitna man karta hai, start to follow him. हाँ, गुड नाइट गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस, बाय, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग, फर्स्ट लाइक।